क्या हाल है आपके? बस फिट, अभी तक तो फिट है, अभी तक तो सही है. सोफा सो गुड. क्या हो रहा है यार? कुछ नहीं, अभी तो बस अनदर डे इन द लाइफ ऑफ वी वाला सीन है कि क्वारंटीन घर पे. अच्छा, 2-3 हफ्तों से शूट्स कैंसल्ड सब. और 2-3 हफ्तों कैंसिल हो गई हैं. दो हफ्ते से आई थिंक 2 हफ्ते तो हो ही गए हैं. और मुझे याद है मैं मुल्तान में शूट कर रहा था तो वहां पे मजार बंद होना शुरू हो गए. तो फिर हम कराची आ गए, कराची में शूट्स थे. तो फिर हमने ये मिलकर डिसाइड किया कि अब ये सिचुएशन जो है मजीद थोड़ी सी बढ़ रही है तो हमें शूट्स कैंसिल कर देने चाहिए. तो फिर शुक्र है कि जो प्रोडक्शन हाउसेस अंडरस्टूड और हमने शूट फिर कैंसिल कर दी. तो तब से बस घर में. और अच्छा, so do you know what we're trying to do here? I don't know whether you've seen this because it's only been a couple of days. So हुआ ये a couple of days back, तुम्हारा और मेरा एक दोस्त सरराज नियाजी, I don't think he's online yet. बट वो उससे मेरी गपशप लग रही थी और मुझे लगा कि यार यहाँ पे ना लोग ठीक है, एक पैंडेमिक आ चुका है, एक टेंशन हो चुकी है लोग ना, बट वो एक लोग ना बिल्कुल शदीद टेंशन में है और उनको समझ नहीं आ रही कि अब उन्होंने करना क्या है. सो व्हाट आई थॉट वाज के यार हाउ अबाउट आई रीच आउट टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स लाइक यू गाइस, एंड उन लोगों से पूछे ये कि इन दिस टाइम हाउ आर दे कोपिंग अप. बिकॉज सी, लोगों को ये लगता है कि जी सेलिब्रिटीज के लिए तो बड़ा आसान होता है घर पे रहना और घर पे ना रहना और इस तरह की चीजें, बिकॉज उनके पास सारी आसाइशें हैं. बट यू नो यू, आई फील दैट यू गाइस आर ऑल्सो, बिकॉज आप लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा इन फ्रंट ऑफ कैमरा पब्लिकली इतनी ज्यादा चल रही होती है, टू टेक अ ब्रेक फॉर एन अनस्टिप्युलेटेड टाइम ऑफ विच इज नॉट डिफाइंड, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू डील विद इट एवरी दीज सिचुएशंस. सो मैंने कहा कि आप लोगों से पूछूं कि आप लोग अपने आप को किस स्टेट ऑफ माइंड में रखते हो और कैसे रखते हो? वैसे तो मुझे लगता है कि डिवाइड है. कोई एक तबका है जो बहुत परेशान हो रहा है, ऑफ कोर्स जो राइटफुली परेशान हो रहा है, लेकिन एक तबका है जो बिल्कुल लाइटली ले रहा है. अभी तक हमारे जिन लोगों के पास एक्सेस है सोशल मीडिया का, वो आर रियली कंसर्न, वो परेशान भी है, वो प्रिकॉशन ले भी रहे हैं. लेकिन काफी सारे लोग जो कि शायद सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिनकी डे टू डे लाइफ में शायद आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा है या डे टू डे जॉब ज्यादा है, लेबर है, वो इतना फोकस कर नहीं रहे. तो हम ये अच्छा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जितना लोगों तक पहुंच सकते हैं, हमारी रीच है लोगों तक, तो हम एक मैसेज लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि है, इम्पोर्टेंट है बहुत. मैसेज क्या है? बट सबसे पहली चीज ये है कि मैसेज क्या है, बट मुझे ये बताओ कि आप लोग जुनैद खान पर्सनली प्रिकॉशंस, यस आई वॉन्ट यू टू टेल मी वट फ्यू प्रिकॉशंस यूर टेकिंग, बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू से टेल मी कि क्या आप एक पॉजिटिव माइंड सेट में है, क्या आप एक नेगेटिव माइंड सेट में है, क्या आप एक इंडिफरेंट माइंड सेट में है? देखो, मैं पर्सनली बात करो तो मैं एक डे टू डे लाइफ में भी अपने आप को थोड़ा सा उस लेवल पे रखता हूँ, ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी अपनी नॉर्मल रखता हूँ. मैं कोई इतना सोशल बटरफ्लाई या सोशल एनिमल भी नहीं हूँ जो कि हर रोज मुझे बाहर निकलना हो और जाना हो. ये बोलते हुए बोला जा सका था. तो मैं ऐसा हुई नहीं, मेरी एक नॉर्मल रूटीन भी ऐसी है कि आई गो वर्क, आई कम बैक होम, आई स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, विद माय किड्स. सो इसलिए मुझे अपने आप को आइसोलेट करना इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज माय रूटीन वाज ऑलरेडी क्लोज टू दिस. सिर्फ ये था कि चलो जिम चले गए, ग्रोसरीज लेने चले गए, या कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून दोस्तों के साथ बाहर निकल गए. बट माय लाइफस्टाइल वाज जनरली क्वाइट क्लोज टू दिस. बट ये है कि पर्सनली मी, मुझे इतना इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, बिकॉज मेरा पिछले 3-4 महीने बहुत बिजी थे. सो आई वॉन्टेड टू टेक अ ब्रेक पर्सनली, सो दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ ब्रेक फॉर मी. बट उसके अलावा भी वट आई डू पर्सनली, बिकॉज आई नो कि इंसान जब आइसोलेटेड होता है थोड़ा सा प्रेशर लेता है, परेशान भी होता है, एक एनर्जी आपके अंदर, एक एक्सेस जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव फॉर्म में निकलना शुरू हो जाती है. चाहे आप अपने आसपास वालों से लड़ना शुरू हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं, आप बहस करना शुरू हो जाते हैं, आपको वजह नहीं पता चल रही होती, लेकिन वो सिर्फ एक उस टीम है जो आपको निकालनी होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो मेरे लिए जो टूल्स हैं, एग्जैक्टली, तो मेरे लिए जो टूल्स हैं पर्सनली, वो एक तो जिम है, वर्कआउट है, वो मैं घर में भी कर लेता हूँ. म्यूजिक मेरा पर्सनली जो एक ऐसा टूल है जो कि मुझे बहुत सुकून देता है. इवन प्रैक्टिसिंग, रियाज करना, जो रियाज कहते हैं, गाना कमरे में बैठ के, मेरा जो जॉनर है उसमें तो गला फाड़ के आप वैसे ही सुकून मिल जाता है आपको 3-4 गाने के बाद. अच्छी खासी स्टीम निकल जाती है.
तो ये दो तीन चीजें जो है ये ऐसी हैं जो कि मुझे ये कंफर्ट देती हैं कि मैं अपने क्लोज स्पेस में घर में बैठ के मैं अपने आप को रिलैक्स्ड रख सकता हूँ. दूसरी बात ये है कि ऑफकोर्स इफ यू हैव अ फैमिली तो फैमिली आपको बहुत कंफर्ट देती है. आपके बच्चे उनको साथ टाइम गुजारे, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारे, घर के जो काम है उनमें हेल्प करें, वो एक एक्टिविटी है जहाँ पे आप अच्छी तरह अपने आप को बिजी रख सकते हैं. तो बेसिक है कि आप बिजी रखें अपने आप को और आउटडोर एक्टिविटीज अवॉइड करें तो ये टाइम जो है ये गुजर जाएगा इंशाल्लाह. मेरे ख्याल से किसी बंदे ने आज तक इतना प्रिपेयर्ड आंसर नहीं दिया मेरी जिंदगी, मतलब मैंने आज तक. ये वो वाला इंटरव्यू था जो मैं टीवी करता था बैक इन द डे, तो कोई साहब आए, वो इतने भड़ास थी उनके दिल में. मेरे ख्याल मुझे याद नहीं आ रहा अली हैदर था या कौन था, उसने आके मैंने एक सवाल किया और उसके बाद ना दो घंटे मैं बस यूं बैठा रहा और एक साहब बस बोलते जा रहे हैं कि यार तुझे पता है उसने मेरे साथ क्या किया, तुझे पता है वो भी मेरे साथ हुआ, उसने भी मेरी मेरे साथ ये क्लास ले ली मेरी, तो तुझे पता ही नहीं है हुआ क्या, और मैं यूं बैठा हुआ अच्छा ठीक है तुझे पता है ये हुआ, तुझे पता है ना, तू जानता है. अच्छा मैं कहा चलो ठीक है, उतनी देर में मेरा शो ही खत्म हो गया. मैंने कहा चलो अस्सलाम वालेकुम. ये नायरा अच्छा, मोगल की तरफ से आया सवाल कि do you have any specific room at home dedicated for jamming sessions? Of course यार एक कमरा जो है वो डेडिकेटेड रखा हुआ है जहाँ पे कुछ इक्विपमेंट है और ऐसा इक्विपमेंट है, कुछ हल्की फुल्की साउंड प्रूफिंग भी है ताकि आसपास जो घर वाले जो हैं वो परेशान ना हो. और मुझे वो जुनेद फाजी का मैसेज आया है, जुनेद को लगता है घर पर बोलने नहीं देते. मैं वैसे ही बहुत कम फाजी नाजी, आपके लिए खास बात, ये शो ही आपकी वजह से शुरू हुआ है. दुखी आदमी हाँ, सारा की सालगिरह भी है. हैप्पी बर्थडे सारा जी. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे. अच्छा सरफराज बिजी होंगे आज, सरफराज ये इस टाइम पे ये हमारे से बातें कर रहे हैं देख ले कितना बिजी होगा. अच्छा जुनेद मुझे ये बताओ कि इन लाइक यू सेड कि सिंस यू बीन टेकिंग वांटिंग टू टेक अ ब्रेक, इस ब्रेक में व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव दैट यू वांटेड टू अचीव? ऑब्जेक्टिव यही है कि बस थोड़ा सा अनवाइंड करें, रिलैक्स करें. हमारी रूटीन थोड़ी सी ज्यादा हेक्टिक हो जाती है, टफ हो जाती है, इमोशनली फिजिकली दोनों हद तक हो जाती है. सो हमें अपने आप को एक हमें ब्रेक चाहिए होती है, स्पेसिफिकली फॉर इमोशनल. जरा वो जरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम जरा, बिकॉज टू परफॉर्म करते करते तो हमें एक वो ब्रेक चाहिए होता है एक्ट्रेस को स्पेसिफिकली. और मैं वैसे भी थोड़ा सा एक लेट बैक सा आदमी हूँ, मैं आई डोंट बिलीव इन कि मुझे बस हर वक्त कुछ ना कुछ करना है, आगे से आगे बढ़ना है. आई नीड माई टाइम आउट, आई नीड माई ब्रेक, आई नीड टू रिलैक्स टू. दैट्स सुपर कूल बिकॉज सी दैट्स समथिंग दैट आई पर्सनली प्रैक्टिस. एंड यही दोस्त मेरे बैठ के बात कर रहे थे कि यार आपको पता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी की ना स्पीड किस तरह की, आप नहीं वो करते. एंड आई वाज टेलिंग देम कि इट इज अ चॉइस, द स्पीड ऑफ लाइफ It's not determining what you do, you determine the speed of life. Exactly. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कितना आगे जाना चाहते हैं, आपकी एम्बिशंस कितनी हैं, आपने कितना अचीव करना है. सो मुझे मैं इस पॉइंट पे हूँ लाइफ में कि मैं बहुत एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट चाहता हूँ, मैं एक स्मूथ सेलिंग पे बिलीव करता हूँ. मुझे कोई अब्रप्ट चेंजेस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे इमोशनल सैनिटी ज्यादा चाहिए इस वक्त. सो इमोशनल सैनिटी, दैट्स So you see, I think in an interesting sort of way, you are thinking and you're talking about something that is very very important. Emotional sanity ki definition hamari society mein hai hi nahi, because aajkal sabko lagta hai ki ambition hone ka matlab ye hai ki aap bas चीर फाड़ के ना समंदर में समंदर को दो करते हैं और आसमान को दो करते हैं और सितारों से आगे निकल जाए. That's the only definition of ambition. Sanity and stability, I think, is very very important. Could you just explain to me how you came up with this idea? यार हर इंसान जो है ना, हम यूजुअली हम बहुत रिलेटिव पर्सपेक्टिव में देखते हैं चीजें. वो हमारे आसपास वाला क्या कर रहा है, चलो मेरे प्रोफेशन में देख लो, उसने ये गाना बना दिया, वो तो ये कर रहा है, वो तो ये परफॉर्म कर रहा है, वो यहाँ चला गया है, वो उसने इतने अवार्ड्स ले लिए, उसने ये प्रोड्यूस कर दिया, उसने ये कर दिया. एक रिलेटिव पर्सपेक्टिव हम लाइफ में यूजली लेते हैं अपने आसपास वालों से कि वो कितना सक्सेसफुल है, अच्छा मुझे भी आगे बढ़ना है. सो आप जितना रिलेटिव पर्सपेक्टिव में चीजें देखते हैं, आप कंपटीशन अगर बहुत कंपेटिटिव है तो आप बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं अपने ऊपर. सो एक बैलेंस इंसान को क्रिएट करना चाहिए जहां पे उसको खुद रियलाइज होना चाहिए कि यहाँ पे जो मेरी कंपेटिटिव जो नेचर है ये उस बैलेंस से एक्सीड कर रही है और ये मुझे स्ट्रेस दे रही है या मुझे डिस्टर्ब कर रही है, इमोशनली डिस्टर्ब कर रही है.
So, वो एक इंसान को एक बैरियर डिफाइन करना चाहिए अपना, एक खुद फिगर आउट करना चाहिए, हर इंसान का फर्क होता है. And I'd like to mention here that Junaid is a very competitive person when it comes to sports. It's not like वो competitive नहीं है. Shanteed, मतलब blood bath होता है यहाँ पे table tennis का कभी कभार, और वो मतलब नहीं बर्दाश्त कर सकते हारना. लेकिन it is very important for everybody and especially the younger audience to understand that we are talking about setting your own goals and saying something is enough and being appreciative and having some gratitude about it. हाँ हाँ, अपने आप को, इंसान को अपने आप को थपकी देनी चाहिए. आप कुछ अचीव करें, अपने आप को एक दिमाग को जो है ना एक न्यूट्रल और पीसफुल होना बहुत जरूरी है हर टाइम पे. वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आसपास वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी जो कंपेरेटिव नेचर है, आपकी जो, देखिए हर इंसान इनसिक्योरिटी एक जरा बुरे में यूज की जाती है, वर्ड यूज किया जाता है थोड़ा सा नेगेटिविटी में, बट हर इंसान की इनसिक्योरिटी जो है एक इमोशन ऐसा है जो कि इंसान को प्रोटेक्टिव करता है किसी भी शोबे में, किसी भी हालत में इंसान को इनसिक्योरिटी होनी चाहिए. अगर आप नहीं होगी तो आप कंपेरेटिव नहीं हो या आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे. सो प्रोग्रेस करना भी जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ कि कहाँ पे ये जो बैलेंस है आउट ना हो रहा, खराब ना हो रहा, आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो. सो वो बैलेंस डिफाइन करना चाहिए. कॉस्ट ऑफ प्रोग्रेस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. ऑफकोर्स ऑफकोर्स. अच्छा, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये लगी, व्हिच इज अ लॉट ऑफ पीपल, व्हेन आई आस्क्ड यू एंड यू सेड के लुक एट दिस फ्रॉम माय प्रोफेशन एंड यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट म्यूजिक मोर देन एक्टिंग. दोनों, मैं वही अवार्ड्स की बात भी की मैंने. सो मुझे ये बताओ कि इफ यू वर टू, एंड आई डोंट वांट यू टू पिक वन, बट इफ यू वर टू पिक वन, व्हिच वन वुड इट बी? पिक क्या? पिक अ कंपेटिटर, पिक ये जो प्रोफेशन. अ प्रोफेशन? ओ, म्यूजिक. ओके, म्यूजिक. आई एम सो ग्लैड दैट यू कैन एक्ट वेल बिकॉज़ म्यूजिक में नहीं बनने थे पैसे तेरे को. हाँ, यही है. मैं जुल्फी सुल्तान बन जाते जुल्फी अक्सर सुल्तान अब ये कहते हैं कि यार हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट होता है यार, ये यार रॉक इज डेड. नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, नहीं नहीं, अभी भी है, इट हैज मोर जूस. नहीं, लेकिन अब जब से तुमने एक्टिंग शुरू किया है, उस दिन मैंने जो मैसेज भी किया था कोई एक परफॉर्मेंस सुनने के बाद, आई वाज लाइक ब्रो, अब जब से एक्टिंग पे पैसे बनना शुरू हो गए ना और पता लग गया कि अच्छा म्यूजिक में पैसे जरूरी नहीं है, तो ज्यादा दिल से गाया जा रहा है, तो वो ज्यादा जज्बात आ रहे हैं, वो बहुत बेहतर परफॉर्मेंसेज हो गई है, बहुत बेहतर साउंड हो गया. जुल्फी इज आउट ग्रोन हिमसेल्फ. आई थिंक इट्स द वे ही इज मेकिंग म्यूजिक इज नेक्स्ट लेवल. नो डाउट. देखिए अब वही बात है, आर्टिस्ट एक इमोशनल आदमी होता है, और इमोशन नहीं होगा तब तक आप घुस नहीं सकते आर्ट की किसी फॉर्म में भी. और जुल्फी की बहुत अच्छी बात है कि वो डीप होके सोचता है एक एक चीज के बारे में, एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत सोचता है. और इज नो विदाउट अ डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट दिस कंट्री हैज. एंड आई थिंक सो जुल्फी हैज टेकन म्यूजिक टू द नेक्स्ट लेवल, और उसकी अपनी स्किल पे है, मतलब सोलली हिज स्किल जो बात करते हैं ना. मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अक्सर प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत टीम के साथ चलते हैं या फिर बहुत डिपेंडेंट होते हैं बहुत सी चीजों पे, लेकिन जुल्फी इज वन गाय जो कि सोलली समझता है इमोशन को, म्यूजिक के इमोशन को समझता है. अच्छा, एक मैं गेम करने लगा. So it's since you said emotion, और मेरे दिमाग में आज एक बात ही चल रही थी कि यार आज हम एक गेम करेंगे. अच्छा, एक चीज मैं शुरू करूंगा, बाकी आई वॉन्ट एवरीबडी हु इज हियर टू काइंड ऑफ हेल्प अस आउट. ओके, आई वॉन्ट वन एवरीबडी टू काइंड ऑफ सेंड इन वन इमोशन, ठीक है? अच्छा, और हम एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में वो इमोशन पे को अपने ऊपर हावी कर लेंगे, और मैं आपकी एक्टिंग स्किल्स और आपकी बहुत सारा कुछ करूंगा. सो ऑल दोस पीपल हु आर ट्यून्ड इन, आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, एंड आई विल होल्ड अप वन पेपर, एंड हूएवर स्टार्ट्स मैसेजिंग फर्स्ट, वी विल जस्ट रीड आउट द टॉप इमोशन दैट यू गाइस आर सेंडिंग, और हम उसके ऊपर शुरू कर लेंगे. कैन यू रीड दिस? हम लोग की कॉन्वर्सेशन नॉर्मल हो रही होगी, रिवर्स में आ रही है. स्केयर्ड? अच्छा, हमें दोनों तुम्हें भी करना ही है. मैं कोशिश कर लूंगा, मैं तो वैसे भी आपसे बड़ा डरता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती. लेकिन आप मुझे बताएं कि आपका इस कोरोना के बारे में क्या ख्याल है? मेरी तो काफी बड़ी शदीद हो चुकी है सिचुएशन. आगे से आगे रोमांस चले जी. मेरे सामने लड़का है, मैं क्या रोमांस.
देखो यही तो एक्टर की स्किल होती है, बताए ना तुमने जोया के साथ भी तो की थी रोमांस यार, जोया तो पूरी खातू जोया पूरी है। अच्छा अच्छा नहीं तो हाँ तो चलो ना करो कुछ करो ना ब्रोमांस ब्रोमांस यार जिगर करो ना। तू मेरा दोस्त तू मेरा भाई है, एंग्री 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 कोरोना को हराना है, डरना नहीं पूरी तरह हराना है, पूरी तरह। मुझे ये नहीं समझ आती पाकिस्तान में इतने बुरे एक्टर्स को इतने सारा काम कैसे मिल रहा है। जर्निश खान भी है। सही सही बात है, सही बात है यार। मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं तेरी बात नहीं कह रहा, मैं तेरी बात नहीं कह रहा, इमोशनल हो जाए इसी बात पे इमोशनल हो जाए। अरे यार बहुत मुश्किल काम है एक्टिंग करना, बहुत मुश्किल काम है। ऐसे लग रहा है तुम्हें नोमी अंसारी की कॉल आई है। नोमी नहीं नहीं, नोमी बेचारा नोमी रुलाता थोड़ी हमें। नोमी बेस्ट आदमी है, मेरा दोस्त है, जिगर है। नोमी एंटरटेनिंग इंसान है। हाँ बहुत मजेदार आदमी है नोमी, आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है। यू शुड हैव यू रीच्ड आउट टू हिम, आर यू इन कराची? मैं कराची में हूँ बिल्कुल, पिछले दो हफ्तों से कराची में हूँ, और नोमी और अनुषे मिलके कर रहे हैं, और मैं देखता हूँ उनकी जो न्यूज फीड देखता हूँ। और ऑफ कोर्स यार ये चीजें हैं जो कि हमें करनी चाहिए, हम जितने हम ऑफ कोर्स अपने आप को प्रिविलेज्ड ही समझते हैं, बिकॉज़ वी कैन अफोर्ड टू स्टे होम। हम घरों में कोई कह रहे आसिम जोफा बन के दिखाओ, आसिम जोफा कैसे बनते हैं? ये आसिम की भी एक मैंने चेक की थी, आसिम एक्चुअली प्रिपेयरिंग वो suits for medical suits, medical suits यार, और great stuff. No, a lot of people are doing such great stuff, and I think this is the most important thing right now. Is the time where Pakistanis have to focus on what they have, what good is happening. Yes, be very very precautious, because ab ye flu aa chuka hai, ab ye virus aa chuki hai, ye virus duniya se jayegi nahi, ye duniya se khatam nahi ho sakti till I think the time. Because dekho aaj 15 din ke baad kisi ko ek interaction hoga, uska kisi aur ke sath interaction hoga, uska kisi aur ke sath interaction hoga. Jaise TB hai, jaise aur bimariyan hai, god forbid ये बीमारी मुझे नहीं लगता दुनिया से ये जाने वाली है, बट मुझे ये जरूर लगता है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बाय मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीनिंग योरसेल्फ्स अप राइट नाउ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज राइट नाउ। आई नो, बट यही वही बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल कैन अफोर्ड टू मेंटेन, लेकिन अक्सर लोग तो होप में है कि 3-4 महीने बाद से क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बट टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट म्यूजिक, हाउ डिड यू गेट इनटू म्यूजिक, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड इट? यार मेरा म्यूजिक में जो इंस्पिरेशन थी वो, बिकॉज मैं एक बड़ा खामोश तबीयत का आदमी हूँ, बचपन में तो बहुत ही खामोश तबीयत था, और शदीद शाय और शर्मीला और वो स्टेज फ्राइट से भरा हुआ, मतलब के असेंबली में कोई पढ़ने को दे देता था मुझे कोई चीज तो मेरी टांगें कांपना शुरू होती थी, इतना स्टेज फ्राइड इतना था, इस हद तक था। तो आई थिंक मेरे अंदर वो एक डीप इमोशनल आदमी तो हुई मैं बचपन से ही था, तो खामोश तबीयत, जो जितने खामोश तबीयत होते हैं वो और डेप्थ में चले जाते हैं, वो और हो जाते हैं, बिकॉज एक्सप्रेशन का टूल नहीं होता। सो मैं मुझे जब मैं लाइव परफॉर्मेंसेस देखता था, आई थिंक यू 2000 की बात है या उससे पहले, मैंने जो लाइव परफॉर्मेंसेस देखना शुरू की, तो मुझे नजर आया कि यार ये एक्सप्रेशन है जहां पे एक स्टेज पे खड़ा होके इंसान अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकता है, अपना अपनी अपनी बात कर सकता है। तो मुझे मेरे अंदर एक म्यूजिक की एक वो एक डेवलप हुई, एक जहां मुझे ये फील हुआ कि यार ये मेरा एक्सप्रेशन बन सकता है, यहां से मैं आउटलेट मेरा बन सकता है, मेरी आवाज निकल सकती है यहाँ से। सो वो एक नीड एक डेवलप हुई, और फिर उसके साथ साथ मेरा नेबर था एक डिफेंस में डीएचए में, सो वो गिटार बजाता होता था, वो लाम्स का पढ़ रहा था, और वो गिटार हर किस्म का बजाता था, हर किस्म के मॉडर्न वेस्टर्न म्यूजिक बजाता था वो। सो वहां से फिर उसके साथ मुझे फिर जरा मुझे साथ वेस्टर्न म्यूजिक है जो पर्ल जैम और
पिंक फ्लॉयड और काफी सारा जो लेट 80s और 90s का म्यूजिक है वो मुझे फिर एक्सपोजर मिला. फिर मैंने जब गाना शुरू किया तो मुझे फिर और भी डेवलपमेंट हुई, मुझे और इंटरेस्ट डेवलप हुआ. फिर मुझे जो है ना, मुझे पर्सनली जो है ना, वो सुकून आना शुरू हुआ इस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए. मुझे यहाँ पीस मिलना शुरू हुआ. तो मेरा इंटरेस्ट फिर ऑफकोर्स और डेवलप हुआ. सो आई थिंक विद टाइम आई मेट अ कपल ऑफ पीपल जो के जिनके साथ मेरा इंटरेस्ट जो है वो म्यूचुअल था. फिर वंस मुझे कॉमन फ्रेंड्स ने ही जो कॉल बैंड के पुराने जो थे कॉमन फ्रेंड्स, उन्होंने उमर परवेज ओपी होते थे, बिल्कुल ओपी ने मुझे कहा कि यार कॉल को एक वोकलिस्ट की जरूरत है. तो ओपी को मैं जानता था थ्रू कॉमन फ्रेंड्स. तो ओपी ने मुझे फिर रेकमेंड किया टू कॉल टू खुरम 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 भाई खुरम जब्बार. तो खुरम भाई से बात हुई तो मुझे उनकी जो टीम थी उन्होंने कहा कि आप मुझसे पूछा फोन पे, लैंडलाइन होती थी जमाने में, तो मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि जी आप कौन से, आप क्या प्ले करते हैं. मैंने कहा यार मैं तो ये क्रीड और इंक्यूबस इस टाइप की चीजें गाता हूँ. उन्होंने कहा आप वो डीप पर्पल गाते हैं. मैंने कहा डीप पर्पल, अच्छा मैंने सुना नहीं हुआ था. मैंने सुना डीप पर्पल तो मुझे समझ नहीं आया डीप पर्पल. अच्छा तो मुझे समझ नहीं आया. अच्छा तो मैंने कहा डीप पर्पल तो मुझे नहीं आएगा, ना मुझे आता है ना मुझे समझ आ रहा है, तो मैं अपना ही हिसाब से मैं गया. तो आई वेंट देयर, मैं खुरम भाई से मिला वहां पे, पुराने मेंबर्स थे कॉल के, जुल्फी बैठा हुआ था वहां पे, जुल्फी भी छोटा था हमारी तरह, हम सब छोटे छोटे थे. तो फिर उन्होंने पूछा आप डीप पर्पल आता है, मैंने कहा नहीं मुझे डीप पर्पल नहीं आता. उन्होंने कहा आपको क्या आता है, मैंने कहा मुझे ये आता है. फिर मैंने दो गाने सुना दिए, एक क्रीड का सुना दिया, एक स्टेन का सुना दिया. तो फिर उन्होंने कहा भाई तो ओके आप बस आ जाएं काम पे. So tell me, how difficult was it to work with somebody like Zulfi in that time? Because obviously Zulfi had been making music for so many people, and you were kind of a novice in music because अगर आपको God forbid Deep Purple कभी नहीं पता, आपने वो बहुत limited musical exposure था for instance आपका. So and Zulfi had a lot more musical experience. So tool भी बजाता था, बनाता भी था. और उसने कहा होगा चलो बेटा इसको कॉपी करके उर्दू में गाने की कोशिश करो. तो वो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू काइंड ऑफ गेट योरसेल्फ अराउंड टू दैट? ऑफ कोर्स जुल्फी उस वक्त ईपी में प्रीटी मच इन्वॉल्व था, कॉल में उस तरह नहीं था इन्वॉल्व. कॉल में दो और गिटारिस्ट थे, लेकिन जुल्फी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व था हमारे गानों की. दैट वाज ग्रेट हेल्प, दैट वाज ग्रेट हेल्प बिकॉज ऑफ कोर्स जुल्फी ईपी में वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर चुका था, रॉक साउंड एक्सपीरियंस कर चुका था, काफी हद तक उससे पहले भी कर चुका था. तो उससे कॉल को जो साउंड जो है ना वो बड़ी डेवलप जो हुई है वो उसमें जुल्फी ने बहुत हेल्प किया. मैं शुरू में पहली एल्बम जो थी वो सनी जो गिटारिस्ट था हमारा, सनी और उस्मान के दो भाई गिटारिस्ट थे. हम बड़े रॉ थे, हम बहुत ही रॉ से म्यूजिशियंस थे. मैं और सनी जो है वो हम वैसे ही लाउंजेस में बैठ के अपने रिश्तेदारों में हम गा लेते होते थे गाने. तो वो अपने एम्प से लगाता था गिटार और मैं माइक लगा के, हम इस तरह की बड़ी छोटी मोटी सी आपस में जीटीज कर लेते होते थे. सो वी आर वेरी रॉ. सो जुल्फी वाज आल्सो इवॉल्विंग और आल्सो लर्निंग एट द सेम टाइम. वो भी हमारे साथ इवॉल्व कर रहा था, बट ही वाज जनरली क्वाइट एक्सपीरियंस देन अस. सो हमें उसके साथ बहुत ही हेल्प मिली. एंड ऑफकोर्स वी गेव आवरसेल्फ टू हिम. हमें था कि ऑफकोर्स जुल्फी ही है जो कि हमें जो है वो ही नोज, ऑफ कोर्स ही नोज मोर बिकॉज बैटल द बैंड्स आ चुका था और वो हमें आजमा और इस टाइप के गाने जो रिलीज हो चुके थे. सो बट ऑफ कोर्स वी वाज वेरी काइंड ऑफ हिम कि वो ही वाज देयर विद अस और हमें काफी हद तक जो हमारी साउंड्स डेवलप, गाने कंपोज कर, गाने कंपोजिशन में हमें ट्वीक करना, हमें मेंटोर करना काफी हद तक किया जुल्फी ने. सो ऑफ कोर्स इट वाज नॉट डिफिकल्ट, आई थिंक इट वाज ग्रेट हेल्प. ओके सो फॉर दोस ऑफ यू हु डोंट नो, their first album was insane. मतलब आप लोगों ने मशहूर गाने तो probably वो जिलावतन type के सुने हुए होंगे, but उनके उसके अंदर कुछ गाने I think सब भुला के was probably one of the most famous ones. But बिछड़ के भी शायद was super 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 cool. एक इनका गाना था वजूद, ओ
मैंने इनको काफी दफा रिक्वेस्ट भी किया कि ये ऑनलाइन कभी गाएं भी, और लेकिन इन्होंने नहीं बजाया. इट इज एपिक. एक वजूद था, उससे पहले कौन सा था, आई डोंट रिमेम्बर, बट देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स ऑन दैट एल्बम. कुछ दिन पहले बात कर रहे थे हम किस्मत की, बात कर रहे थे मैं और सुल्तान. किस्मत वो मेरे जिम की प्लेलिस्ट में सातवें नंबर पे गाना है, सातवें नंबर पे जिम की प्लेलिस्ट में. टूल उससे पहले आता है और उसके बाद मेरे ख्याल से स्टोन टेंपल पायलट्स आता है. और क्या वो गाना है, क्या वो गाना है, सलूट है आप लोगों को. अच्छा, सो आई वॉन्टेड टू, मेरे मुझे ना कुछ लोगों ने सवाल हेलो हेलो आवाज आ रही है, मेरे नेट आ रही है बारी हेलो. अच्छा, मैंने ना चंद लोगों से पूछा था कि वो आप लोगों के सवालात भेजें तो हम आपके सवालात के जवाब देंगे. So most of those questions have tentatively been answered. So all those people who asked those questions, I will specifically answer them according to what Junaid said as well. कि आप अपने spare time में क्या करते हैं और आपको कौन सा profession pick करना हो और आपको सबसे अच्छे खाना बनाने में क्या चीज आती है. हाँ, खाना बनाने में देखें, मैं बचपन से अंडा खोर हूँ एक बहुत ही शदीद किस्म का. और मैं वो जो है ना, जरूरत इजाद की माँ है, तो मैं हर किस्म का अंडा बनाने में एक्सपर्ट हो चुका था बचपन से. क्योंकि मैं किसी को वो था ना कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, वो खुद उठा और अंडा बनाया, चाहे ऑमलेट बनाया, चाहे फ्राई अंडा बनाया, हाफ फ्राई बनाया, जैसे मर्जी बना के आग खा के खुद खा के प्लेटें. तो वो है कि अंडा तो मैं बना लेता हूँ आराम से. तो उसके बाद जब मैं शुरू में नया कराची आया तो फिर मैं सिर्फ अंडा तो नहीं खा सकता था. तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने रेसिपी पूछी उसकी, कढ़ाई की दाल की. मैंने बेगम से रेसिपी पूछी तो फिर मुझे कढ़ाई और दाल भी बनाना आ गई. तो थोड़े मोटे सालन भी बनाने सीख लिए. तो ये कि हाँ, तो बस इस तरह ही आते हैं. बाकी टेढ़े मेढ़े पराठे भी बना लेता हूँ मैं आजकल, क्योंकि वो अब आजकल तो डाइट का कोई सीन चल नहीं रहा. अब एक क्विंटेसेंशियल सवाल है, लाहौर से सारे एक्टर बनने के लिए कराची जाते हैं और कराची के बाद वो वापस लाहौर आते हैं, वो आपका क्या प्लान, कैसा लग रहा है कराची अभी तक? यार ये देखो, कराची वही है जिस तरह फाइनेंशियल सेंटर्स पूरी दुनिया में अक्सर होते हैं, या न्यूयॉर्क हो गया, इस तरह सबको पता है न्यूयॉर्क कैसा है. नहीं, मतलब है कि जिस तरह पूरे मुल्क से, शहरों से आते हैं लोग, जहाँ पे फाइनेंशियल सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे जमा होते हैं और वहाँ पे कमाते हैं और फिर निकल जाते हैं. सो कराची शहर है, बहुत अच्छा शहर है, फाइनेंशियल सेंटर है, यहाँ पे हम भी बाकियों की तरह हम भी यहाँ पे आए हैं. और लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है. फ्यूचर में जब मूवी और समझ में आया तो मूवी पे क्या चल रहा है, मूवी क्या बारी है, क्या सिचुएशन है, आप कुछ पता है? यार मूवी तो सिचुएशन हमारी तरफ से ये है कि हमने कंप्लीट कर लिए, हमने शूट कर लिए, देख ली है? नहीं देखी नहीं है क्योंकि अभी हेलो आप ओ हेलो जिब्राइल, हेलो जानारा, ऊपर बैठ के मुझे ऊपर से मैसेजेस कर रहे. तो मूवी हमारे एंड से कंप्लीट हो चुकी है, अब टेबल पे है, अब टेबल पे वो एडिट हो रही है, उस पे स्कोर लग रहा है, गाने एडिट हो रहे हैं. सो वो मुश्किल काम सारा हो चुका है, अब सिर्फ प्लानिंग है, प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन है. तो अब क्योंकि पैंडेमिक की वजह से अब सब कुछ ऑन होल्ड चला गया है, सो अब देखते हैं कि अब आगे क्या स्टांस होगा. पूरी दुनिया, आई थिंक पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया में जो है वो फिल्में रुकी हुई हैं और सब पोस्टपोन हो चुकी हैं. सबसे जो है अपना क्या नाम है, नो टाइम टू डाई आगे चलेगी भाई, ये तो सबसे बड़ी ज्यादा वाली बात हुई है. 13 अप्रैल का इंतजार कर रहे थे, नो टाइम टू डाई तो इसीलिए आगे गई है कि आप लोगों ने फिल्म आगे कर दिया. अच्छा एक, सो आई वांट टू रैप दिस अप एंड आई वांट यू टू टेल मी 5 थिंग्स दैट यू थिंक पीपल शुड डू एवरी डे. बिकॉज़ एक तो आपके कोई 48,000 फैन पेजेस है, जुनैद खान 1, जुनैद खान 2, जुनैद खान फैन 1, जुनैद खान फैन 2, जुनैद खान फैन गर्ल, जुनैद खान फैन बॉय, जुनैद खान डैश डैश. इतना प्यार, मतलब कितने लोगों को तुमने सैलरी पे रखा हुआ, जैसे अली अजमत ने कहा था कि कुछ ब्लॉगर्स को उन्होंने पेरोल पे रखा. बाय द वे, अली अजमत वाली परफॉर्मेंस वाज सुपर कूल. अली अजमत वाली परफॉर्मेंस सुपर कूल यार, वो गाना एक तो इतना पावरफुल है पहली बात, और ऊपर से अली अजमत
वो गाने जो है ना उनको अली अजमत ही जस्टिफाई कर सकता आई स्वेयर वो गाने और कोई नहीं गा सकता, कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता. तो शुक्र है हमारे साथ अली अजमत था ऑन स्टेज, तो हम लग रहे थे कि हम परफॉर्म कर रहे हैं. But thanks to him, he let us do this with him. It was super cool, man. I look forward to more collaborations, man. By the way, you and Ali Azmat sound really good. Like Zulfi, Momo, you, Butsab, I think sounded really good together. So what I want to do is, I want you to tell all the people who are out there, जो के पांच चीजें रोज कर सकें in their lives. Precautionary and the exercise of positivity. के वो क्या करें रोज जिसकी वजह से वो light at the end of the tunnel देख लें, ताकि थोड़ी सी hope जिंदगी में ना. इस वक्त बहुत सारे लोग इतने वो हो चुके हैं, dark से position में जा चुके हैं, because उनको पता नहीं अब क्या करें. So coming from somebody like you, I want you to tell them के यार how to get through this lockdown. अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप ऑफ कोर्स आप अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ का आपने ख्याल रखना. ये बहुत गा के, ये तो मैंने बोला ही नहीं, गा के सुनाना है ये आपको. अच्छा, ऐसे नहीं हो सकता ये. देखो बच्चा हाथ धो लो. चलो बच्चे हाथ धो लो. कोई रॉकस्टार से कोई गाना गा दे उस पे खत्म करते हैं, बेस्ट हो जाएगा. वैसे ही गाना गाना वैसे ही सुना देता हूँ कुछ गाना, लेकिन पहले ये बताओ फिर उसके बाद गाना गाना. देखिए, अच्छा तो पहले अपनी मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना. ये दो चीजें आप ध्यान देंगे, अब इनको कैसे ध्यान देना है आपने. फिजिकल हेल्थ ऑफ कोर्स, डाइट जो है बैलेंस खाना खाएं, ज्यादा डाइटिंग ना करें, हर चीज खाएं, लेकिन जो ख्याल रखें स्लीप पैटर्न बहुत सही होना चाहिए. उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ आ जाती है. दोनों रिलेटेड है वैसे, लेकिन मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने आप को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है. कुछ लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं, वो भी हेल्पफुल होती है. मेडिटेशन की बात करते हैं, वो भी हेल्पफुल होती है. लेकिन डे टू डे लाइफ में हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक तो है ना कि घर के काम भी करने की भी आदत डालें. मदर्स रात कोई बात है कि घर के कामों में हेल्प करें, अपने आप को ग्राउंडेड रखें. देखिए, प्रोग्रेसिव होना और एक और चीज है, लेकिन आपको ग्राउंडेड रखना भी अपने आपको मेंटल स्टेबिलिटी के लिए अपने आपको ग्राउंडेड रखना बहुत जरूरी है. वो कैसे रखेंगे, आप घर के कामों में हेल्प करें, अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारें, दिन में आप कोई अच्छी चीज देखें किसी के बारे में. कोई आपको बुरा भी लगता है ना कोई इंसान, उसके अंदर भी एक अच्छाई ढूंढें और वो अच्छाई एक्सप्लेन करें, अपने आप से एक्सप्लेन करें या किसी और के साथ एक्सप्लेन करें. उसका ये फायदा होगा कि आपके दिल के अंदर कोई भी नेगेटिविटी है ना, वो काफी हद तक निकल जाएगी. जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो ऑफकोर्स हम वी फील स्लाइटली बेटर अबाउट आवरसेल्फ्स, एंड दैट इज व्हाट we want to achieve, कि हम बेहतर भी फील करें और ऑफ कोर्स हम किसी के साथ कुछ, किसी को एक खुशी भी दे दें, किसी की तारीफ भी कर दें, घर वालों की तारीफ करें, कुछ छोटे छोटे जेस्चर की तारीफ कर दें, इस तरह की बहुत सी चीजें. बट लेकिन अपने आप को ग्राउंडेड रखने की कोशिश करें. और हाँ, एक बड़ा मजेदार मैसेज आया है, एक बड़ा मजेदार रैंडमली मैंने पढ़ा है. नींद आ रही है सर जुनेद आपको. अच्छा अच्छा जुनेद, इफ आई वाज टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग, तुम वो गाओगे या कुछ याद है वो गा सकते हो? टू से गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. रिक्वेस्ट बताओ पहले, रिक्वेस्ट देके ना. रिक्वेस्ट, मैं तो वजूद टाइप या किस्मत टाइप जोन में हूँ, उस पे चल रहा. लेकिन तुम क्या लाडी छूटी गाओगे? क्या था, जो चाहो अगर मैं रोशनी, जो चाहूं तो किस्मत लिख डालो नहीं. बहुत अच्छा करते हो कि जुल्फी के साथ ही गाते हो, अकेले ना गाया करो. और ये गाना जो आपने चुटकी पे बजा दिया ना, ऐसे लग रहा था अभी बीजी जाएंगी. यार मतलब वो गाना सुन भाई, अल्लाह के नाम पे वो गाना सुन. बोलिया भी नहीं गा सकता. अरे उसको तूने जो करती है ना, ले भाई चल, भाई का सीन और है. अच्छा चल, थैंक यू सो मच. आमना कह रही थी उसने भी आना शो पे, वो मरियम खान की बर्थडे, वो कह रही है प्लीज विश मी. मरियम खान, हेलो मरियम खान, हैप्पी बर्थडे. हैप्पी टू यू.
Chalo, thank you so much, Junaid. Thank you so much for being on this chit chat. I hope people take away some positivity. And Mansha Pasha ka message aaya tha. Hello, Mansha. We're a big fan of yours. Looking forward to your movie. And kal tum logon ki koi copy hai. I think you guys are doing like a live. Mansha aur main kal aa rahe hain live raat ko 10 baje. Bas best hai. Main bhi join in karunga. Hello, bolunga. Aur kat jaunga koi ulti seedhe sawal karke. Theek hai. All right, see you, man. Thank you so much. Office.